हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है? जितने भी हमारे सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनका जो सेमेस्टर वन था, अप्लाइड मैथ्स वन, उसमें था, तो उसमें 5 यूनिट्स आने थे। सबों के हमने वीडियो रिकॉर्ड किए, सबके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए। ऐप पर जाइए, देखिए, और जब जब आपको डाउट आया तो हमने ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए अरेंज किए। सारी फैसिलिटी हमने देने की कोशिश की, जो जो आपको रिक्वायरमेंट था। कंटेंट बोला, कंटेंट के हिसाब से चले। उसके पीडीएफ आपने मांगे, पीडीएफ दिया। फिर रिक्वायरमेंट आई कि सर बुक के अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि हमारे कॉलेजेस में उस टाइप से बुक चल रहे हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, तो हमने बुक के अकॉर्डिंग चला। और फिर आपने उसके बाद भी डाउट्स आए तो हमने ऑफलाइन क्लासेस भी लाया, तो इसलिए हमारा रिजल्ट भी क्या हुआ, बेहतर आया। जब आप बच्चों के अकॉर्डिंग काम करते हो तो रिजल्ट भी बेहतर आते हैं। और भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बताइए, सारी आपको चीजें फुलफिल कराई जाएंगी अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो। अब बात आती है सेमेस्टर टू वाले बच्चों के लिए, क्या जो वो सेमेस्टर टू में चले जाएंगे उनके लिए, और कुछ कुछ का सिलेबस भी क्या है, मैथ्स टू वाला है। तो सेमेस्टर जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो आपको वहां पर मिलेगा अप्लाइड मैथ्स टू। ठीक है? तो उसके डिस्कशन के लिए आज यहां पर आंसर है अप्लाइड मैथमेटिक्स टू। और इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्रेडिट तो आपको पता है यही 4 है आपके पास, और ये एकेडमिक ईयर तक चलेगा, ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। तो इस बार भी उससे और बेहतर, थोड़ा और कंटेंट अच्छा, थोड़ी और फैसिलिटी अच्छी, और चीजों को थोड़ा और इंप्रूव करके आपको अप्लाइड मैथ्स टू दिया जाएगा। हर बार बेहतर करने की आदमी कोशिश जारी रहनी चाहिए। ठीक है? तो अब इसको डिस्कशन करते हैं कि हमारे इसमें और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है? तो अगर आप इस ध्यान से इसको देखोगे, कोर्स का डिस्क्रिप्शन है इस टाइप से, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ये सब अलग अलग चीजें लिखा हुआ है। लर्निंग आउटकम भी हम देखेंगे क्या क्या है, हमारा मेन मोटिव हमारा क्या होना चाहिए। जैसे दिया हुआ है कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आपको क्या करना है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आपको क्या करना है, डिफरेंट ऑपरेशंस को जानना है, सॉल्यूशंस जानना है, टेक्निक जानना है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल को देखेंगे, या नेमिंग में रख दिया तो उसको तो याद ही करके जाना है। मैट्रिक्स का मेथड से भी चलेंगे, जब आप डिटरमिनेंट में कर दे तो अप्लाइंग द सेम इन मल्टीटास्किंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपको मेन क्या है ना कि अलग अलग जब प्रोजेक्ट दिए जाएंगे तो उसमें जब डेटा होते हैं, डेटा का जो यूज है, तो वहां पर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये किसमें कराया जाएगा आपको, टू वेक्टर्स में यही तो करते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये बताया जाए आपको, स्केलर का कराया जाता है और वेक्टर का कराया जाता है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है? उसके बाद इंटीग्रेशन पे आएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन, अभी आपने देखा था कि डिफरेंशिएशन पहले देखोगे उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन भी देख लेंगे इसी में, इंटीग्रेशन, और ये सब है हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में काफी ज्यादा काम आता है। फंडामेंटल थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस जब देखोगे तो उसमें तो कैलकुलस में तो इतना हाई वेटेज है हर चीज का कि आप मेजोरिटी यही आपका ले जाएगा, और अलग अलग टेक्निक है आपके पास, इस चीज को आप फॉलो करोगे। ठीक है? और इसमें कोई चीज रह जाएगी तो आपको इसका पीडीएफ भी आपको क्या मिलेगा, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा एक चीज, कितना छोटा हो गया। ठीक है? इसके बाद है हमारा यूनिट वन। यूनिट वन में देखते हैं क्या क्या करना है हमें। यूनिट वन में ये हमारा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इसे देखते हैं क्या है, कॉन्सेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब टाइप्स ही होते हैं। ट्रांसपोज सबसे मेन चीज है, स्टार्टिंग ही होगा ट्रांसपोज करना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी उसके टाइप्स हो जाएंगे। ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस जितने भी अल्जेब्रिक ऑपरेशन है सारे करेंगे हम, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन कर दिया उन्होंने, ये भी ये दूसरा नंबर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिंपल प्रॉपर्टीज विदाउट प्रूफ ऑफ एडिशन, बिना प्रूफ के जो भी प्रॉपर्टीज होती है, 5-6 फॉर्मूले होते हैं, उसको याद रखना है आपको। फिर यहां से आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट, वो तो मैट्रिक्स था, यहां तक मैट्रिक्स चल रहा है, उसके बाद इसके आगे डिटरमिनेंट चलेगा। डिटरमिनेंट में ये माइनर और कोफैक्टर, ये दो कीवर्ड याद रखना, हर जगह यूज होता है एक दो फॉर्मूले में। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज इवेल्युएट डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत सारे सवाल बन जाते हैं एप्लीकेशन में। एडजॉइंट एंड इनवर्स, ये तीसरा टॉपिक आ जाएगा,
ये निकालना, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये देखो टॉपिक भी दिया हुआ है, नंबरिंग करके दिया हुआ है क्या इन्होंने, चलो कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा टॉपिक आपके पास हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल उन्होंने बताया और डिटरमिनेंट में आता है, और एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये भी एक टॉपिक था जो आपके कोऑर्डिनेट में भी था, वहां पर आपको मैं बताता था कि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे वहां पर आएगा। तो देखो आ गया, अब इसे आप इजिली समझ सकते हो। ठीक है, यूनिट टू पे चले, यूनिट टू पे देखते हैं क्या है, इसे मिटाना होगा। चलिए यूनिट टू में देखिए क्या है आपके पास, यूनिट टू में हमारे पास क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी आप जैसे लीड की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी ये मैथ्स टू अप्लाइड मैथ्स टू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और ये थोड़ा सा आपके अप्लाइड मैथ्स वन से हार्ड भी होगा, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने को मिली, जैसे कोऑर्डिनेट था वो सब तो आसान था, अप्लाइड मैथ्स वन में सर्कल था फिर भी आसान था, मैथ्स टू आपके लिए हार्ड हो सकता है, थोड़ी ज्यादा चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तो इसको और पहले से पढ़ो। ठीक है, यही इसका एक सोल्यूशन है, आप जितनी जल्दी चीजों को पढ़ लेते हो और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हो तो आपको इजी लगता है। वेक्टर अलजेब्रा क्या है, वेक्टर और स्केलर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टाइम वेक्टर क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। फिर पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, निगेटिव वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दूसरे टॉपिक में आ जाएगा आपके। सेक्शन फॉर्मूला और फाइनली इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये वहीं से आएगा जो सबसे पहले वहां से, तो नहीं इसी में आएगा, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर में ही आता है और ये यहीं पर सीखने को मिलेगा। दोनों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज और हाईली कंसेप्चुअल, दोनों टॉपिक यूनिट वन और यूनिट टू काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो क्या है संभल के चलना है, आपको पहले से ही करना होगा, इसीलिए आपको इतने समय पहले ही बता दिया जा रहा है, जब छुट्टी मिलेगी बीच में तो पढ़ना चालू कर देना, वेट मत करना किसी का। यूनिट थ्री में हमारे पास क्या है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है तो इसके पूरे फॉर्मूले को ही याद करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन जिसने किया है, इंटीग्रेशन जस्ट उसका उल्टा होता है, तो डिफरेंशिएशन यूनिट अभी से मैं वार्निंग दे रहा हूं सारे बच्चों को, वार्निंग है अगर आपको अप्लाइड मैथ्स टू सही करना है, अप्लाइड मैथ्स वन आपको सही करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन कौन करेगा, जो डिफरेंशिएशन सीख के आएगा वो किसमें है, अप्लाइड मैथ्स वन में, इसलिए वार्निंग है आप इसे पहले से करके आना। ठीक है, इंटीग्रेशन देखेंगे, इसमें बताने को कुछ नहीं है, अलग अलग सेम फॉर्मूला और सेम फॉर्मूला उल्टा होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है यूनिट नंबर फोर में, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपको बाउंड्री, यहाँ पर हमारा इंडेफिनेट क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं होती, जब आपने देखा होगा इंटीग्रेशन इस टाइप से होता है ना, तो कोई अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं होता है इंडेफिनेट, डेफिनेट में क्या हो जाएगा लोअर लिमिट भी होगा और अपर लिमिट भी होगा, जैसे 0 से 1 -2 से 2, डेफिनेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, आपका क्या है, आपका आ जाता है यूनिट फिफ्थ, यूनिट फिफ्थ ठीक है, यूनिट फिफ्थ में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे के सारे टॉपिक क्या बताओ इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने अलग हैं कि आपको इसके लिए थोड़ा सा अर्ली तैयार रहना हो, जिसे बोलते हैं ना कठिनाई, जिस मुश्किल समय आता है तो थोड़ा पहले से प्रिपेयर रहो तो आप चीजों को झेल सकते हो, समझ सकते हो, इसीलिए आपको ये कराया जा रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास क्या आ जाएगा,
ऑर्डर डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहला ही टॉपिक है जो कि इससे हर बार एक दो सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट यही से पूछे जाते ज्यादातर सवाल। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन इज गिवन तीसरा टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री बाय यूजिंग सेपरेबल सेपरेशन ये उसी का पार्ट है लगभग। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड लीनियर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड डिग्री चलो मेन तीन टॉपिक है उसके बाद धीरे धीरे तो सारे देखने ही है। तो ये था आपका मेन फिफ्थ पास्ट टॉपिक। आपको चैप्टर का नाम पता चल गया होगा एक बार फिर से देख लेंगे। आपको और कुछ रह गया इसमें देखने जाने लायक बुक्स किसको फॉलो करेंगे एनसीईआरटी 11 12 तो है ही है और जो आपके कॉलेज में चलेंगे उनको भी फॉलो करेंगे है ना। ये हो गया हमारे पास उसके बाद क्या करेंगे जो भी चैप्टर्स आप पढ़ते जाओगे ना इनको जरूर फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे दिखाओ इनको दिखाता हूं जैसे पहला चैप्टर आपका क्या था पहला चैप्टर आपके पास पता है क्या था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो जब आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ोगे जब आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो आपको कोशिश कराया जाएगा इन बातों पे ध्यान रखने के लिए टू फेमिलाइज विद द एलिमेंट्री मैथ थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स जो एलिमेंट्री थ्योरी होती है उसके ऊपर कि क्यों यूज होता है उसके बेसिक फॉर्मूले क्या है और जो असाइनमेंट देंगे वो तो फैकल्टी देगी। तो मेन आपको क्या करना है जो एलिमेंट्री थ्योरी है इसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाएगा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में। और क्या करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी आपको दो इंपॉर्टेंट काफी प्रायोरिटी में समझाया जाएगा क्योंकि जो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ेगा वैसे ही क्वेश्चंस आने हैं वही मैक्सिमम मार्क्स भी अचीव करेगा ठीक है। इन दो बातों पे आपको ध्यान दिया जाएगा। दूसरा टॉपिक आपका क्या था वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में आपको ध्यान दिया जाएगा कि कॉम्प्रिहेंड थ्योरी ऑफ वेक्टर्स विद द रिलेवेंट टर्मिनोलॉजी जो भी आप यूनिट मेथड नल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये सब जितनी भी चीजें आप सीखते हो जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो कह रहा है इसे आप ध्यान से समझाओ। तो ये मोटिव है हमारा और असाइनमेंट इसी बेसिस पे दिए जाएंगे ज्यादातर तो यूनिट टू में इसको ध्यान रखना है ठीक है। यूनिट थर्ड में किसको ध्यान रखना है देखते हैं आ जाओ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें आपको क्या अंडरस्टैंडिंग द हाउ द फॉर्मूला फॉर इनडेफिनाइट मतलब मेन फॉर्मूले पे ध्यान देना है आपको। फॉर्मूला आर ड्राइव्ड होगा ना फ्रॉम डिफरेंशिएशन देख रहे हो डिफरेंशिएशन से कैसे वहां से किया गया है उसको आपको समझाना है मुझे। तो ये तो अप्लाइड मैथ्स वन जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। फिर लर्निंग ऑफ फॉर्मूला ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड सॉल्विंग रिलेवेंट क्वेश्चन जो भी उससे क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे मेन फॉर्मूला है इसका मतलब और वो डिफरेंशिएशन से कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है ये जो असाइनमेंट देंगे फैकल्टी वो देखेंगे। फोर्थ यूनिट पे आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें क्या करना है टू डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है और दोनों चैप्टर्स को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं वो आपको मेन ध्यान में दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सवाल करके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा ठीक है और आपको डिफरेंशिएट कराया भी जाएगा बार बार। देखो ये देखो असाइनमेंट जो फैकल्टी देगी उसके हिसाब से देख लेंगे। अगला आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या करना है आपको टू गेट एक्वाइंट विद द बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल तो जो मैंने बताया तीन टॉपिक स्टार्टिंग में वो बेसिक है उसी से सारे ज्यादातर सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है वो भी ध्यान में रखना है ठीक है। मिड सेम एग्जाम में क्या लिखा है प्रिपेयरिंग फॉर मिड सेम एग्जाम और टॉपिक कवर्ड अप टू सिक्स्थ वीक डिफरेंशियल इक्वेशन अप टू वेरिएबल सेपरेबल जो भी आपका वेरिएबल सेपरेबल है वहां तक आपको पूछा जाएगा मिड सेम एग्जाम में। जो सारी चीजें लिखी हुई है बस आपको अच्छी बात क्या है कि मैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बताता कोई चीज कम नहीं बताता जो भी आपके ओरिएंट इसमें है वही बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है और मार्क्स आप गेन कर पाओ। हमारा मेन मोटिव क्या है कि आपके जो सेमेस्टर में जो परसेंटेज बने वो हाई बने 80+ बने मिनिमम ठीक है। तो ये चीजें रह जाएंगी हमारी तरफ से और देखते हैं क्या है ये कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन एंड ऑफ सेमेस्टर 75% 25% ये देख रहे हो कैसे टेस्ट हो कैसे असाइनमेंट हो कैसे अटेंडेंस होगा तो 25% टेस्ट का लिया जाता है आपसे। एकेडमिक इंटीग्रिटी तो काफी ज्यादा अच्छा अच्छी बात है। जो बच्चे कह रहे थे कि सर 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ है और अच्छी बात है क्या कि आपको उसको 25% में कन्वर्ट किया जाएगा तो मार्क्स आपके कहीं ना कहीं ज्यादा ही दिखते हैं ठीक है। 25 वालों के लिए तो कम दिखने लगते हैं।
असाइनमेंट से 40% वेटेज है, असाइनमेंट पे ध्यान दो। सिर्फ एग्जाम की तैयारी करने से नहीं होगा, आपको असाइनमेंट पे भी पूरा ध्यान देना है, ठीक है। और अटेंडेंस का ये अलग तो है ही, और एंड सेम जब एग्जाम होता है इसके भी 25% वेटेज है, टोटल आपका 100 निकल के आएगा, ठीक है। और कोई बातें रह गई है? ये नो, तो ये हमारी तरफ से हो गई है बातें सारी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए, मॉड्यूलेशन आप मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर जाइए। वहां पर सबसे पहले हमारा कोर्स हुआ करता था अप्लाइड मैथ्स 1, क्या हुआ करता था, अप्लाइड मैथ्स 1। इसी के रिस्पेक्टिव में अब आपको मिल जाएगा अप्लाइड मैथ्स 2। इस कोर्स को आप अब देखना, पहले तो इसे ही देखना, इसके बगैर तो होगा ही नहीं। इसके बाद आपको इसे देखना है, अपने कोर्सेज को फिनिश करना है, और जो भी डाउट्स है आपको, और जो भी हमारी ऑफलाइन डाउट क्लास होती है, उसमें आइए और अपने डाउट को पूछिए। इससे बेहतर क्या हो सकता है, आपको एक फिजिकल टच भी मिल जाता है और आपको ऑनलाइन का माध्यम तो है ही है, ठीक है। ये था हमारा सिलेबस ओवरव्यू अप्लाइड मैथ्स 2 का, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। सारे वीडियो आपको ऐप पे मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे एज इट इज, और उससे अच्छी फैसिलिटी मिलेगी आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।